नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित। ऑल्ट न्यूज़ की अगस्त मंथ एंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले महीने ऑल्ट न्यूज़ की टीम ने 39 आर्टिकल पब्लिश किए। इनमें से 24 आर्टिकल ऐसे थे जहां हमने पाया खबरों को झूठा सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर किया जा रहा था। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेशी हाईकोर्ट ने 5 जून 2024 को सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम बहाल करने का निर्णय दिया, जिसके हिसाब से 30% नौकरियां केवल स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें वहां मुक्ति योद्धा भी कहा जाता है, उनके एवं उनकी पीढ़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया। अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख बताई जाती है, जो 17 करोड़ की आबादी का लगभग 0.147% है, यानी लगभग 1000 में 1। हाई कोर्ट के इस फैसले के विरोध में शुरू हुआ छात्र प्रदर्शन देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। बढ़ती हुई हिंसा और खतरनाक माहौल के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद के पद से इस्तीफा दिया और बांग्लादेश से बाहर चली गईं। सबसे ज्यादा हिंसा की खबर 5 अगस्त और उसके अगले कुछ दिनों से आई। 2022 के सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा लगभग 7.96% रहा है और ज्यादातर बांग्लादेशी एनालिस्ट के हिसाब से ऐतिहासिक तौर पर अवामी लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में जानी जाती है और ज्यादातर हिंदू अवामी लीग के सपोर्टर माने जाते रहे हैं। शेख हसीना के जाने के बाद बढ़ती हुई हिंसा में सबसे ज्यादा अवामी लीग से जुड़े हुए लोग शिकार हुए। ऐसे में कई हिंदू परिवार भी इस हिंसा के शिकार हुए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 9 अगस्त को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को एक ओपन लेटर लिखा, जिसके अनुसार 5 अगस्त को हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से 52 जिलों में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कम से कम 205 हमले हुए हैं। यह एक अल्पसंख्यक अधिकार समूह है जो घटनाओं पर नजर रखता है, लेकिन विशेषज्ञ ये चेतावनी देते हैं कि 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंसा की सीमा और उसके पीछे की मंशा को स्थापित करना बेहद मुश्किल है। ऑल्ट न्यूज ने इस रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ हादसों का ब्यौरा भी दिया है। विश्वसनीय जानकारी की कमी और हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की आधिकारिक जांच ना होने के कारण गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिला, जिनमें से ज्यादातर गलत सूचनाएं भारतीय समाचार, सोशल मीडिया और नेताओं की तरफ से आईं। ऑल्ट न्यूज ने बांग्लादेश से संबंधित 16 झूठी खबरें जो सोशल मीडिया पर काफी शेयर करी गईं, वायरल भी हुईं, उनका पर्दाफाश किया है। जैसे कि 6 अगस्त को न्यूज 24 और जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे एक जलता हुआ हिंदू मंदिर बताया। ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि यह एक हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट का मालिक अवामी लीग की युवा विंग का लीडर काजी असदुज्जमान शहजादा नाम का व्यक्ति है। सोचने वाली बात तो यह है कि न्यूज 24 और जी न्यूज मध्य प्रदेश जैसी न्यूज कंपनियों ने इस खबर को बिना चेक किए कैसे चला दिया। इसी तरह बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और आवामी लीग के सांसद मशरफे बिन मर्तजा के घर को भीड़ ने तोड़ फोड़ कर जला दिया, लेकिन सुदर्शन न्यूज और एक ट्विटर हैंडल @saffronsunanda ने इसे हिंदू क्रिकेटर लिटॉन दास का घर बताकर शेयर किया। 2012 में बौद्ध समाज के खिलाफ हुई हिंसा के दृश्यों को 2024 का बताकर शेयर किया गया। इसी तरह न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि एक हिंदू बाप अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर हाथ में लिए प्रदर्शन कर रहा है। सच में वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का नाम बाबुल हवलदार था और उसके हाथ में अपने खोए हुए बेटे मोहम्मद सनी हवलदार की तस्वीर थी। हालांकि न्यूज एजेंसी ANI ने अपना ट्वीट डिलीट कर इस गलती पर खेद जताया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक जागरण, लाइव हिंदुस्तान, NDTV इंडिया और मिरर नाउ ने ANI की इस खबर को प्रकाशित कर दिया था। इसी तरह अवामी लीग से जुड़ी हुई महिला छात्र लीग की लड़कियों को भी कई जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसे हमारी मीडिया और सोशल मीडिया पर हिंदू औरतों पर अत्याचार के रूप में पेश किया गया। एक मुस्लिम परिवार की 4 लाशों के वीडियो को हिंदू परिवार के कत्लेआम के रूप में पेश किया गया। हालांकि समय के साथ ऑल्ट न्यूज और अन्य फैक्ट चेकिंग संगठन ऐसी झूठी खबरों का पर्दाफाश तो कर देते हैं, लेकिन इन खबरों के फैलने से समाज में डर और सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन जाता है और इस माहौल का फायदा हर तरह के शरारती तत्व उठाते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इस संदर्भ में एक आर्टिकल भी लिखा है। अभिषेक कुमार ने इस रिपोर्ट में दिल्ली के शास्त्री पार्क, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और उड़ीसा में बंगाली बोलने वाले मुसलमान मजदूरों के साथ हिंसा के बारे में लिखते हुए बताया है कि कैसे पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी और सत्यम पंडित जैसे लोग इन मजदूरों को बांग्लादेशी नाम देकर नफरत फैलाते हैं।
पिछले महीने की एक और बड़ी और झकझोर देने वाली घटना कोलकाता से सामने आई, जहां 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग से एक बुरी अवस्था में महिला डॉक्टर की लाश मिली। ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या हुई थी। सरकार और पुलिस के रवैये से नाखुश लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस घिनौनी वारदात को लेकर गलत दावे भी शुरू हो गए। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में 9 फैक्ट चेक रिपोर्ट की। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा करने लगे कि 14 और 15 अगस्त के बीच वाली रात में भीड़ ने अस्पताल में घुसकर उस सेमिनार हॉल को ही जला दिया जहां जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। कुछ लोग ये दावा करते हुए दिखे कि मामले में सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार रूम में तोड़फोड़ की गई थी। ऑल्ट न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। इसके बाद ये झूठ भी खूब प्रसारित हुआ कि पीड़िता डॉक्टर के शरीर में 150 ग्राम वीर्य मिला था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के आंतरिक और बाह्य जननांग यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटीलिया का कुल वजन 151 ग्राम पाया गया था। इसी दावे के साथ एक और दावा किया गया कि पीड़िता की पेल्विक गर्डल यानी जांघों और पेट के बीच की हड्डी टूटी हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी फ्रैक्चर का जिक्र नहीं था। इतना ही नहीं, इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी पूरी कोशिश की गई। इस घटना के आरोपियों के रूप में अर्शियान आलम और गुलाम आजम का नाम लिया जाने लगा। ये दोनों उसी अस्पताल में हाउस स्टाफ के रूप में काम करते हैं। अर्शियान और गुलाम की तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया जाने लगा कि बंगाल सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ऑल्ट न्यूज की शिंजनी और ओशानी ने इन दावों पर विस्तृत रिपोर्ट की है। इन्होंने पाया कि अर्शियान और गुलाम वारदात के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। आप ये रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इन सब के बीच एक ऐसा दावा सामने आया कि वर्धमान विश्वविद्यालय की छात्रा अंकिता बाउरी जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से वापस घर लौट रही थी, तब उनके साथ रेप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये भी बिल्कुल झूठ था। जी न्यूज, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ सहित कई बीजेपी समर्थकों ने एक तस्वीर के साथ दावा किया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ आरोपी संजय रॉय को केक काटते हुए एक पुरानी तस्वीर में देखा गया है। ये दावा भी गलत साबित हुआ। केक काट रहे शख्स का नाम प्रसून चटर्जी था। इन सभी के बीच कुछ लोग ये वीडियो शेयर करते हुए दावा करने लगे कि आरजीकर घटना के खिलाफ बीजेपी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में महिला को डांस करते हुए देखा गया, जबकि ये एक मेले में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो था, ना कि किसी बीजेपी कार्यक्रम का। इन सभी दावों के झूठा साबित होने से एक बात जरूर उभर कर आती है, और वो यह है कि हम सभी को भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मिलने वाली हर जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें आगे शेयर करने से पहले रुक कर सोच समझ कर जरूर चेक करना चाहिए। ऐसी ही और झूठी खबरों का सच जानने के लिए देखते रहें ऑल्ट न्यूज़। धन्यवाद।